हाँ जी दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों वायरिंग वाला अपना टॉपिक था थ्योरी में, और उसी टॉपिक पर अपन आज फिर बात करेंगे। तो आप में से जिसको भी नोटिफिकेशन मिल रहा है जुड़ते जाइए फटाफट आप सभी। आज चर्चा करेंगे कि वायरिंग की विधियाँ कितने प्रकार की होती है, यानी हम वायरिंग कितने तरीके से कर सकते हैं, कौन सा तरीका कहाँ काम में लिया जाता है, ये प्रश्न अपन से पूछे जा सकते हैं। अच्छा टॉपिक है, इसके अंदर से छोटे छोटे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आप सभी जुड़ जाइए दोस्तों, करते जाना यार प्लीज़ वीडियो को लाइक, और टॉपिक की शुरुआत करेंगे। देखो ये लेक्चर नंबर आई थिंक वायरिंग का 6 होगा, इससे पहले 5 क्लासेज अपलोड हो चुकी है, ठीक है। और अपन बात करेंगे आज वायरिंग की विधियों पर, यानी वायरिंग के प्रकार कितने होते हैं, या वायरिंग टाइप्स या मेथड कुछ भी कह दो, ठीक है। देखो वायरिंग करने के अपने पास सबसे पहले दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है कि वायरिंग टेम्परेरी हो, दूसरा तरीका होता है कि वायरिंग परमानेंट हो, राइट। बड़ा इजी और बड़ा आसान भी है। यानी एक तो होता है कि वायरिंग अपनी पूर्णतया अस्थायी टेम्परेरी हो, और दूसरा होता है कि वायरिंग पूर्णतया स्थाई यानी परमानेंट हो, ठीक है। अब देखो अस्थाई और स्थाई में आगे और अपने पास ऑप्शन होते हैं और तरीके होते हैं। ये डिपेंड करता है लोकेशन कैसी है, वो पर्टिकुलर जगह जहां हम वायरिंग कर रहे हैं उसका इन्वायरमेंट कैसा है, इन सब चीज़ों पर भी वो डिपेंडेड होती है। देखो अस्थाई वायरिंग दो तरीके की होगी। एक तो ये होती है कि कंप्लीटली टेम्परेरी वायरिंग हो, यानी हमने थोड़े समय के लिए ही लगाई हो, जैसे कोई मेला था, कोई अदर किसी प्रकार का फंक्शन, कोई एग्जीब्यूशन यानी कोई प्रदर्शनी थी, तो वहाँ पर अपन ने, सलमान भाई कभी कभी सुबह टाइम नहीं मिलता यार इसलिए शाम को लगाते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि हर दिन आपको एक टॉपिक जरूर दिया जाए, सुबह मिल जाए तो ठीक है, नहीं शाम को, इसलिए अब शाम को दे रहे हैं, ठीक है। और यार कर दिया करो लाइक, लो वीडियो को मैं देख रहा हूँ बहुत फ़र्क आ रहा है, अभी भी देखो आप कितने फ़र्क चल रहा है। जिसने भी नहीं किया वो ज़रूर बटन दबाएं लाइक का। तो एक होती है पूर्णतया अस्थाई, और इस वायरिंग का नाम होता है फ्लेक्सिबल केबल वायरिंग, यानी नाम से ही पता लग रहा है इस वायरिंग में कंप्लीटली फ्लेक्सिबल केबल होता है। और ये केबल आपका पीवीसी हो सकता है, ये सीटीएस हो सकता है, टीआरएस केबल हो सकता है, राइट। इनमें से कोई भी केबल एक हो सकता है, लेकिन फ्लेक्सिबल होगी, हार्ड यानी कठोर तार नहीं होगा। फिर अगर अपन बात करें इनके लिए, तो बिल्कुल जो ट्री सिस्टम अपन ने वायरिंग का देखा था वो यहीं पर लागू होता है। और ये वायरिंग बिल्कुल अस्थायी रूप से जहाँ अपन घर से बाहर कहीं भी कर रहे हैं, घर में इस तरह की वायरिंग नहीं होती। तो दूसरा वायरिंग जो अस्थाई होती है उसमें वायरिंग का क्या प्रकार है, उसमें वायरिंग का प्रकार आता है क्लीट वायरिंग, ठीक है। ये क्लीट क्या होते हैं कि चीनी मिट्टी के बने हुए होते हैं, जैसे पाइप वायरिंग में सेडल्स लगते हैं ना, ये उनके जैसा ही होता है, ऊपर और नीचे पैकिंग जैसा होता है, ठीक है। मैं आपको बना करके दिखाऊं तो यूं होते हैं, ऐसे दिखेंगे आपको, ठीक है। इनमें होल भी रखा जाएगा, इस तरह से होंगे ये, ठीक है ऐसे। और यहाँ पर ये तो कसने के लिए होंगे, और यहाँ पर वायर जाने के लिए है ना खांचे बने रहेंगे ऐसे, ठीक है। ये नीचे का कवर होता है, इसके ऊपर वो दूसरा लग जाएगा, तार इसमें से भेज दिए जाएंगे, यहाँ से दोनों इसके अंदर से, ये दो खांचों वाला डबल ग्रुप और ट्रिपल ग्रुप वाला भी हो सकता है। देखो क्लीट वायरिंग और फ्लेक्सिबल केबल वायरिंग में क्या डिफरेंस है, तो जो क्लीट वायरिंग अपनी है ये तब अपन काम में लेते हैं जब वायरिंग को हमें थोड़ा सा स्थायी रूप देना हो। यानी जैसे घर में अभी अपन वायरिंग कर रहे हैं कि ठीक है जब भी अपने पास कुछ व्यवस्था होगी तो बाद में हम स्थायी वायरिंग करेंगे, लेकिन अभी साल 2-4 साल के लिए अपन वायरिंग कर लेते हैं, तो वहाँ पर अपन क्लीट वायरिंग घर में कर लेते हैं, अस्थाई वायरिंग का उपयोग है। तो अपन क्या करते हैं,
ये क्लीट वाले इस फ्लेक्सिबल का थोड़ा सा सपोर्ट आता है कि जो तार पूर्णतया लटकता हुआ रहता है ना, वो इस क्लीट की सपोर्ट लेकर के रुक जाता है, इधर उधर लटकता नहीं है। तो इस फ्लेक्सिबल के कंपैरिजन में थोड़ी सी ज़्यादा बेटर होती है और अच्छी लगती है। इतना सा ही है, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। ये क्लीट चीनी मिट्टी के बने होते हैं और दीवार पर इन क्लीट को जब लगाते हैं तो 60-60 सेंटीमीटर की दूरी से क्लीट्स अपन लगाते जाते हैं, चाहे वर्टिकल हो चाहे हॉरिजेंटल हो। ध्यान रखें, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर ये चीनी मिट्टी के क्लीट लगाते हैं। पूर्णतया अस्थायी वायरिंग होती है, तो बाहरी यांत्रिक चोट और आग से सुरक्षित नहीं है, इजीली इंस्टॉल हो जाती है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ती, ये सारी बातें तो है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या ध्यान रखना है, और इसमें एक सबसे बड़ी चीज़ जो है ना वो ये है कि जब भी अपन वायरिंग में लैंप होल्डर वगैरह लगाएंगे ना, तो आप सब शायद समझ रहे होंगे कि वो पूरी तरह से ऐसे लटकता हुआ ही रहता है, बटन होल्डर की तरह पूरी तरह से तो होगा नहीं, मोस्टली पेंडेंट होल्डर ही होता है, तो वो यूं अपने लटकता हुआ रहता है। अब उसका जो खिंचाव है ना केबिल का, वो पूरा उस होल्डर पर ही है। तो यहाँ से दो प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, वो है कि केबिल को मैकेनिकल जो आपका स्ट्रेंथ प्रदान करना है, यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करनी है खिंचाव से, इसके लिए या तो उसमें कोर्ड ग्रिप व्यवस्था होनी चाहिए, कौन सी कोर्ड ग्रिप, अथवा अंडरराइटर नोट बोलते हैं, उसके अंदर की साइड में गांठ लगा दी जानी चाहिए। ये कोर्ड ग्रिप आप सबने देखा होगा, ये केबल के पास में सपोर्ट के लिए होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल तो ये दिखाऊं, जैसे ये 2 पिन प्लग मान लीजिए आप, तो इस 2 पिन प्लग में आप ये जो देख रहे हैं ना, तो ये कोर्ड ग्रिप की श्रेणी में ही आता है। या फिर आपने कई बार कोई केबल देखी होगी तो उसके यहाँ पर है ना एक पिन जैसा होता है, ठीक है, कसने के लिए होता है, ठीक है, ओके। देखो चीपेस्ट वायरिंग तो ताहिर भाई यही पड़ेगी है ना, फ्लेक्सिबल केबल जो है सबसे चीपेस्ट तो यही रहेगी, लेकिन जब अपन परमानेंट पर आएंगे तो चीपेस्ट के लिए अलग कंपैरिजन होगा। यहाँ तो इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो फ्लेक्सिबल सबसे चीपेस्ट है, नो डाउट। तो इस वाली वायरिंग में से तो आपको यही दो ही प्रश्न याद रखने, एक फ्लेक्सिबल होती है, दूसरी क्लीट थोड़ा सा अलग होती है। 60 सेंटीमीटर की दूरी पर अपन क्लीट लगाते हैं, चीनी मिट्टी के बने होते हैं, यांत्रिक खिंचाव के लिए कोर्ड ग्रिप प्रोटेक्शन देना है। देखो परमानेंट वायरिंग पर जब आते हैं ना, तो सबसे पहले परमानेंट वायरिंग का जो प्रकार है वो है केसिंग कैपिंग, ठीक है, और आई थिंक आप सबने देखा होगा केसिंग कैपिंग है ना, दीवार पर जो सबसे पहले लगता है वो केसिंग होता है, उसमें केबल डाल दिए, इसके ऊपर जो कवर लगाते हैं वो कैपिंग होता है, ठीक है। ये दो तरह की होती है, वुडन केसिंग कैपिंग, पीवीसी केसिंग कैपिंग। पुराने टाइम में लकड़ी वाली ज़्यादा चलती थी, लेकिन वो बाहरी आग से सुरक्षित नहीं थी। दूसरा, उसमें डबल ग्रूव, सिंगल ग्रूव, ट्रिपल ग्रूव, ये खांचे पहले से ही होते थे, तो या तो दो खांचे होते थे या तीन। तो आप एक जो केसिंग कैपिंग आपने इंस्टॉल कर दिया, वहाँ पर आपकी दो ही कारें जा सकती थी। तो वर्तमान में लकड़ी वाली केसिंग कैपिंग का कोई उपयोग नहीं है, वर्तमान में सबसे ज़्यादा जिसका उपयोग है वो है पीवीसी केसिंग कैपिंग, सबसे ज़्यादा काम में लेते हैं, सिंगल ग्रुप की होती है, ठीक है। ये दो तरह की होती है, वुडन केसिंग कैपिंग और पीवीसी केसिंग कैपिंग। तो वर्तमान में पीवीसी का उपयोग करते हैं, सिंगल ग्रुप, एकल खांचा होता है, कितने मर्जी इसमें तार डाल दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। देखो वुडन को जब दीवार पर कसते थे तो स्टील के स्क्रू काम में लेते थे, पीवीसी को कसते हैं तो भी स्टील के स्क्रू काम में लेते हैं, लेकिन पीवीसी केसिंग को दीवार पर फिट करते हैं तो टूल आता है, और उस टूल का नाम है रावल प्लग टूल। याद रखें कि स्टील के स्क्रू को हम स्क्रू ड्राइवर से भी सो कस सकते थे ना, लेकिन इसके लिए जिसका नाम है वो है रावल प्लग टूल। तो छोटा सवाल आपसे पूछा जा सकता है, पीवीसी की कैसिंग को दीवार पर फिट करने के लिए जिस टूल का, उपकरण का उपयोग करते हैं वो कौन सा है? रावल प्लग टूल है, स्टील के स्क्रू से हम कसते हैं इसको, बस सिंपल है और कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको कैसिंग को
कैपिंग को दीवार पर जब लगा रहे हैं उस दौरान अलग से कोई जॉइंट वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको जॉइंट वगैरह बनाते समय उसी कैपिंग को उसी डिजाइन में काटना होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, मान लीजिए कि हमें टी टाइप में कोई केसिंग को मोड़ना था, ये वायरिंग चलती भी आ रही है टी मान लीजिए, या 90 डिग्री पर मोड़ना था। अब हमें यहाँ से एक लाइन निकालनी है यूं, तो इस केसिंग में आपको प्रॉपर तरीके से जॉइंट लगाना होगा और वो इसी कैपिंग और केसिंग को ही एडजस्ट करके काटना होता है। अलग से कोई टी एल्बो जंक्शन बॉक्स वगैरह वगैरह कुछ नहीं लगता है। देखो कैसे काटेंगे, तो मैं दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। जब आपको यहाँ से इस तरह से जा रहे हो ना आगे की तरफ, तो इस वाले मैं केसिंग की बात कर रहा हूँ, है ना, जो ऐसे आयताकार बॉक्स सा होता है ना, यूं ऐसे मान लो, मैं थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूँगा, आप लोग समझिएगा जरूर। मान लीजिए कि ऐसे है यूं, ठीक है, ठीक है, ये जो केसिंग आप देख रहे हैं ना, ऐसे बॉक्स आपको नजर आएगा, है ना, ये आयताकार खांचा सा जो होता है ये वाला। ओके राम प्रसाद, ऑफलाइन के लिए मैंने एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है भाई, उस पर बात करो यार आप। तो करना क्या है कि आपको इसी को काटना है, यहाँ से इस ऊपर वाले को नहीं काटना, ये यहीं रहना चाहिए, नीचे वाले को यहाँ से काटना है। ये जो इस साइड आपका ऊपर तक जा रहा था यूं, इसमें आपको इसको काटना है यहाँ से, इस बाहर वाले को नहीं काटना। देखिए ये बन गया अपने आप ही आपका एल्बो जॉइंट, यानी अलग से हमें कोई एल्बो लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। और ये देखिए ये जॉइंट बन गया अपने आप ही इस तरह से। मान लीजिए कि टी जॉइंट की ज़रूरत थी, तो टी जॉइंट में ये केसिंग आपकी यूं जा रही थी, नीचे वाली केसिंग को लगा, तो यहाँ से आपको इस केसिंग को काटना है, बस और कुछ नहीं करना, इतना सा। और ये देखिए ये यहाँ एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है, इतना सा याद रखें। और इस केसिंग गैपिंग में से तो ज़्यादा कोई सवाल नहीं आएगा, ठीक है। स्टील के स्क्रू से कसते हैं, रावल प्लग टूल होता है, स्क्रू ड्राइवर के जैसा ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है ना, रावल प्लग टूल है भाई, हार्ड स्टील का बना होगा प्रवेश बाबू, हार्ड स्टील, कठोर स्टील जो होती है ना उसका, जैसे अपना हाई कार्बन स्टील के स्क्रू ड्राइवर होते हैं ना उनके जैसा ही है। तो इस केसिंग कैपिंग के बारे में तो इतना ही ध्यान रखें आप लोग, ठीक है, इसमें से तो ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। जो ज़्यादा ज़रूरी है, जो सबसे ज़्यादा काम में आती है, वो है अपनी पाइप वायरिंग, कंड्यूट पाइप वायरिंग अपन बोल सकते हैं, या पाइप वायरिंग बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई पाइप में अलग अलग आपको डाया मिल जाएगा, अलग अलग उसकी लेंथ मिल जाएगी, कितने मीटर का ये वो, कोई स्टैंडर्ड है नहीं। वैसे याद रखें कि यूँ बताते हैं कि आंतरिक जो व्यास होता है डायामीटर, वो 16 mm से लेकर के 65 mm तक का डाया कंड्यूट पाइपों का होना चाहिए, इस रेंज का लगभग होता है। इसके बारे में भी दो चीज़ें हैं मैं आपको बताऊं। एक तो आपको जीआई पाइप मिलेगा, गैल्वेनाइज्ड आयरन, और दूसरा अपना पीवीसी वाला भी होगा, है ना। पाइप वायरिंग होती है तो इसमें पाइप भी क्या दो होते हैं, कठोर फ्लेक्सिबल। तो जैसे कोई फैक्ट्री या प्लांट जैसा सिस्टम होता है ना, तो वहाँ पर तो ये लगता है पाइप वाला, है ना, पाइप वायरिंग जो जीआई वाली होती है, तो क्योंकि वहाँ पर अर्थिंग और प्रोटेक्शन के बारे में बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। और घरों में अपन लोकल वायरिंग जैसे भी करेंगे ना, या किसी पर्टिकुलर ऑफिस में करना है, तो वहाँ पर पीवीसी वाली पाइप से काम चल जाएगा। इनके दो दो के लिए होता है, ठीक है ना, जो पाइप होगा वो कठोर भी होगा फ्लेक्सिबल भी होगा। तो फ्लेक्सिबल का तो उपयोग तब करेंगे जब दीवार में टेढ़ा मेढ़ा प्रक्षेप हो, उबरी हुई दीवार हो, या सीलिंग रोड से सप्लाई निकाल करके लैंप को, जब भी ट्यूबलाइट वगैरह को सप्लाई देनी हो, तब अपन काम में लेते हैं, आ सकता है, याद रखिएगा। अब देखो इनके व्यास के तौर पर, जो जीआई का पाइप होता है ना, इसका तो आंतरिक व्यास लिया जाता है, आंतरिक परिधि से व्यास लेते हैं, और जो पीवीसी का पाइप होता है उसका बाहरी व्यास लिया जाता है। जिनको नहीं समझ में आता, ओके, मृत्युंजय पांडे, वाई इंडक्शन मोटर वर्क ऑन लैगिंग पावर फैक्टर ओनली, वेरी गुड।
देखो भैया, इंडक्शन मोटर में आपने इतना काम किया है तो जरूर आपको इसका तो रिप्लाई देंगे। नाम से ही पता लग रहा है कि इंडक्शन मोटर में इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है जब वो काम कर रही है, क्योंकि वहाँ पर केवल और केवल कॉयल है और इंडक्टर या कॉयल द्वारा ली गई करंट जो होती है ना, वो हमेशा हमेशा वी से लैग ही करती है, वो हमेशा उससे पीछे ही चलती है, इसलिए पावर फैक्टर लैगिंग ही होता है। अब ये प्योर कॉयल तो होती नहीं है, इसलिए 90 डिग्री का डिफरेंस तो होता नहीं है, लेकिन डिफरेंस फिर भी 70 डिग्री, 65 डिग्री इसके आसपास जरूर रहता है। तो ठीक है, चलिए, थैंक यू, आगे आ जाइए। तो पीवीसी का एक्सटर्नल लेते हैं और इसको अपन इंटरनल लेते हैं। यार एक बार मैं पढ़ा दूं, फिर आप सब लोगों के प्रश्नों का रिप्लाई भी करेंगे, एक बार आप लोग समझ लीजिए बस, ठीक है। और वैसे 3 मीटर की लेंथ में भी पाइप आता बताया, ठीक है, याद रखें। अब देखो, पाइप वायरिंग होती है 2 तरह की, ठीक है ना। एक तो होती है अंडरग्राउंड, जिसका दूसरा नाम है डक्ट वायरिंग, DUCT, तीसरा नाम है कंसील्ड वायरिंग, ठीक है। अंडरग्राउंड, डक्ट और कंसील्ड, तो ये तो आप सब शायद समझ गए होंगे, कंस्ट्रक्शन के दौरान ही होती है। जब हम वायरिंग घर में कर रहे होते हैं तो ये उसी दौरान होती है, और बाद में ऊपर का जो ओवरलैपिंग होती है वो करते हैं अपन, है ना। तो ये अंडरग्राउंड वायरिंग में जंक्शन बॉक्स और वो तो सब लगाते हैं, पाइप की सपोर्ट के लिए आपको सेडल्स वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, एल्बो, जंक्शन बॉक्स, टी, वो तो सब लगेंगे, अंडरग्राउंड है, ठीक है। बाकी और इसमें अलग कुछ है नहीं। वर्तमान में सर्वाधिक इसी वायरिंग का उपयोग हो रहा है, हर जगह आपको यही वायरिंग देखने को मिलेगी, आप लोग जरूर इसको देखें। और जो पाइप वायरिंग दूसरी है उसका नाम है सरफेस, अर्थ, अर्थ पद पर कौन सा पूछा, GI का, अर्थ का डायमीटर क्या होता है। देखो, अर्थ के लिए जो पाइप अपन काम में लेते हैं वो अलग अलग है, उस पर डिपेंड करती है, वैसे ये फेज के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है। प्लेट के लिए भी अपन रखते हैं तो वो अलग, फिर प्लेट अर्थिंग चलती है, हर जगह प्लेट ही है, ये आपके उस चालक साइज पर डिपेंड करती है, और लगभग जो चालक होता है ना उसका 1.5 गुना होना चाहिए, ठीक है ना। ओके, आ जाइए यार, पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखो, अंडरग्राउंड के बाद में दूसरी जो है ना वो है सरफेस, यानी सतह के ऊपर जो पाइप वायरिंग होती है वो। इस वायरिंग में बाकी सब चीज़ें तो वही रहती है, अंतर जो है वो कि आपको यहाँ पर सेडल्स भी लगाने पड़ेंगे पाइप की सपोर्ट के लिए। याद रखें, अगर पीवीसी का पाइप है तो पीवीसी का ही सेडल लगेगा, और अगर आयरन पाइप है तो आयरन का ही लगेगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि जो जंक्शन बॉक्स के बाद में आपके सेडल्स लगते हैं ना, इन सेडल्स की दूरी पर आपको ध्यान रखना होगा। जंक्शन बॉक्स या एल्बो या कुछ भी लगा है, टी जॉइंट, क्रॉस जॉइंट, ब्रिज जॉइंट, आपने जो भी काम में लिया हो, उसके बाद में फर्स्ट सेडल तो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर हो, और अगर दो परस्पर सेडल हो तो वो 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस से होने चाहिए, बस इतना ही ध्यान रखना, ठीक है। पाइप का व्यास कैसे मेजरमेंट करेंगे, वर्तमान में सर्वाधिक कौन सी काम में ले रहे हैं, अंडरग्राउंड पाइप वायरिंग, इसके दूसरे नाम क्या है, सरफेस कंड्यूट पाइप वायरिंग में सेडल्स की दूरी कितनी होती है, दीवार उभरी हुई या सीलिंग रोड से ट्यूबलाइट को सप्लाई देनी है तो वहाँ किस प्रकार का पाइप होगा, ये छोटे छोटे सवाल इसमें से पूछे जा सकते हैं। देखो, इसके बाद में परमानेंट वायरिंग का जो नेक्स्ट प्रकार है ना वो है बेटन वायरिंग। रासायनिक उद्योगों में सबसे ज़्यादा इस वायरिंग का उपयोग किया जाता है, नमी वाले स्थान पर भी कर सकते हैं, लेकिन नमी वाले स्थान पर सबसे ज़्यादा लेड शीथ वायरिंग करते हैं। देखो, बेटन जो है ना ये होती है टिक वुड, सागौन की एक लकड़ी होती है और कुछ नहीं होता, और दीवार पर पहले गिट्टियों की सहायता से इस बेटन को लगा लेते हैं। याद रखें, बेटन लगाने के लिए गिट्टियाँ 75 सेंटीमीटर की दूरी पर होती हैं। ये लगाने के बाद में अपने बेटन के ऊपर तारें जाती है, सर्किट के लिए जाती है, और वैसे ध्यान रखें कि बेटन में भी इतनी लंबाई होती नहीं है, तो बेटन की लेंथ बढ़ाने के लिए भी आपको दो बेटन को सीरीज में जोड़ना होगा,
एक से ज़्यादा सर्किट जब लेकर जाते हैं तो दो बैटन को पैरेलल में भी जोड़ना होगा, ठीक है। और अपने बैटन की ओवरऑल जो चौड़ाई आपको मिलेगी ना, वो दो तरह की होती है, दो क्या सॉरी तीन, 12 mm की, 19 mm की और 25 mm की। बैटन की चौड़ाई जो मार्केट में आपको मिलती है ट्रेडिशनल जो बैटन होगी, 12 mm, 19 mm और 25 mm। याद रखें, लंबाई बढ़ाने के लिए दो बैटन को सीरीज में जोड़ा जाता है, और जब बैटन को सीरीज में जोड़ते हैं तो उनमें एक दूसरे का ओवरलैपिंग होना ज़रूरी है। यूँ नहीं कि सीरीज में ऐसे जोड़ दिया, थोड़ा बहुत एक दूसरे के ऊपर भी आना चाहिए, लेकिन ऊपर भी ऐसे नहीं आएगा जैसे ये है तो इसके ऊपर ये, तो यहाँ तो आप देख रहे हैं ना डिस्टेंस मोटी हो गई, ऐसा नहीं होता। तो इन दोनों को टेपर काटा जाता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग आप सबने पढ़ी है तो शब्द से समझ गए होंगे, तिरछा काटा जाता है। जैसे ये दो बैटन आप जोड़ना चाह रहे हैं ना इस तरह से, तो इन दोनों बैटन में आपको क्या करना होगा, इस बैटन को तो यूं टेपर काटना होगा और इस वाली बैटन को यूं टेपर काटना होगा ऐसे, तो यहाँ आपको जोड़ना है और यहाँ स्क्रू लगा करके ज्वाइंट कर दिया जाता है। ये जो एक दूसरे पर ओवरलेप कर रही है ना, ये कितना ओवरलेप करेगी ये इस बात पर डिपेंडेड होता है कि उस बैटन की चौड़ाई कितनी है। अगर 12 mm चौड़ी है तो 19 mm ओवरलेप का भाग रखा जाएगा, अगर 19 mm है तो 25 mm रखा जाएगा, और अगर 25 mm चौड़ी बैटन है तो ओवरलेप के लिए भाग रखा जाएगा 40 mm, ठीक है। अब देखो ये तो याद रह जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, है ना, क्योंकि ये यहाँ से आ रहा है, ये यहाँ आ रहा है, बस एक ही आंकड़ा याद रखना है, ठीक है। अब जब बैटन को आप समांतर में लगाओगे, ये होती है एक से अधिक सर्किट जब आपको गुजारने हो तो दो बैटन समांतर में जोड़ेंगे, लंबाई बढ़ाने के लिए सीरीज में जुड़ेगा। जब बैटन वायरिंग अपन कर देते हैं तो बैटन वायरिंग स्थापना करने के बाद जो ऊपर केबल होते हैं उन केबल को कसने के लिए पीतल के लिंक क्लिप लगते हैं भाई, किसके लगते हैं, पीतल के लिंक क्लिप, और वो यूं होते हैं केबल पर ऐसे अपन ट्विस्ट करवा देते हैं। लिंक क्लिप में ध्यान रखें, पेपर में सवाल पूछा जा सकता है, दो क्लिप के बीच दूरी कितनी रखेंगे, वायरिंग हॉरिजेंटल है कि वर्टिकल है, यानी अगर अपनी क्षैतिज वायरिंग चल रही है, क्षैतिज का मतलब समझ रहे हो, यूं, हॉरिजेंटल यानी वर्टिकल यानी लंबवत या ऊर्ध्वाधर, और हॉरिजेंटल का मतलब होता है क्षैतिज यानी ये, तो इनके बीच में डिस्टेंस आपको कैसे कैसे रखनी है। देखो अगर हॉरिजेंटल यानी क्षैतिज वायरिंग चल रही हो तब तो आपको 10 सेंटीमीटर की दूरी रखनी है, अगर वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर हो तो दो क्लिप के बीच में आपको 15 सेंटीमीटर की दूरी रखनी है, ठीक है। तो इस बैटन वायरिंग में से इतना ही पूछा जाएगा, और ज़्यादा इसमें से भी कुछ नहीं बनता। याद रखना, आ सकता है बैटन की चौड़ाई कितनी है, ओवरलेप का भाग कितना रखेंगे, लिंक क्लिप के बीच में दूरी कितनी होगी, लंबाई बढ़ाने के लिए बैटन कैसे जुड़ेगी, एक से अधिक परिपथ के लिए बैटन कैसे जुड़ेगी। और इसके बाद में देखो वायरिंग है तो उसका नाम है लेड सीथ वायरिंग, तो देखो नाम से ही पता लग रहा है, लेड और सीथ, शीशे का आवरण यानी भाई कैसिंग कैपिंग, बता दिया राजा आप लेट जुड़े हो, देखना वीडियो को पीछे से देखा करो यार, ठीक है। ओके भाई, मैं आरविनल आरविनल सब भर्तियों पर बात करने वाला हूँ, थोड़े दिन आप वेट करो बस। देखो लेड सीथ है ना शीशा, और शायद हम सब जानते हैं कि शीशा नमीरोधी होता है ना, इसलिए ज़्यादातर अपन वही करते हैं जहाँ नमी वाली जगह ज़्यादा हो, तो वहाँ इस प्रकार की वायरिंग का उपयोग कर लेते हैं। फिर दूसरा, लेड का मतलब शीशा होता है, तो इसके लिए आपको अर्थिंग की तार अलग से लाने की ज़रूरत नहीं है, इस शीशे को ही वहीं से अर्थिंग कर देते हैं प्रॉपर, तो इसी से काम चल जाता है, ठीक है ना। बस इतना ही ध्यान रखें, इन सब के अलावा एक और व्यवस्था होती है, उसका नाम है बस बार, तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, अलग से ही करेंगे अपन कभी भी, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही था दोस्तों, यार कर देना वीडियो को लाइक प्लीज़, और जितना हो सके अपने दोस्तों को आगे फॉरवर्ड भी करें, चैनल सब्सक्राइब करवाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।